हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू देसी नुस्खे। दोस्तों, आज में इस वीडियो में आपको बालों को उगाने के लिए, गंजेपन से बचने के लिए बहुत ही आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी। ऐसे उपाय जिन्हें आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 7 उपाय बताऊंगी। इन उपायों की मदद से आप अपने बालों को दोबारा से उगा सकते हैं और ये उपाय आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएंगे और आपके बालों को काला, लंबा, घना करने में भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए जानते हैं क्या है ये आसान से नुस्खे। तो मेरी पहली टिप्स है धनिया। बालों को दोबारा से उगाने के लिए धनिया, हरा धनिया बहुत ही मददगारी है। तो इसके लिए धनिया को पीसकर इसका एक पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को अपने बालों पर, जहाँ से आपके बाल बहुत ही उखड़ रहे हैं, आपके बाल नहीं हैं, उस जगह पर लगाएं। ऐसा आप महीने में, एक महीने तक आप इस उपाय को कीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से आपके बाल दोबारा से उगने लगेंगे। अगला उपाय है नींबू। अगर फ्रेंड्स आपके बाल काफ़ी उड़ गए हैं तो उस जगह पर दिन में कम से कम 2-3 बार आप नींबू को अपने सिर पर रगड़ें। ऐसा करने से आपके बाल दोबारा से उगने लगेंगे, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि आपके स्किन की खाज, खुजली जैसी कई सारी तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये आपकी मदद करेगा। और नेक्स्ट टिप्स है प्याज का रस। प्याज का रस भी बालों को दोबारा से उगाने में, उनको काला, मजबूत, घना और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इसके लिए प्याज का रस निकाल कर उसको अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करें और लगभग 2-3 मिनट के लिए मसाज भी करें। ऐसा करने से आपकी बालों की जड़ मजबूत होंगी और जो बाल उड़ गए हैं वो दोबारा से भी उगने लगेंगी। प्याज का रस बालों को उगाने में बहुत ही मददगारी नुस्खा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने बालों में वीक में लगभग 2 या 3 बार मसाज ज़रूर करें, क्योंकि बालों की टूटना, झड़ना, बड़े ना होना, ये मेन कारण इसका आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का ना होना भी हो सकता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे उसके लिए अपनी स्कैल्प पर वीक में 2 बार मसाज जरूर करें। तो इसके लिए आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल ले सकती हैं, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज़ करती हैं उस ऑयल को लेकर अपने बालों में सर्कुलर मोशन में लगभग 15-20 मिनट के लिए मसाज करें। ऐसा करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ तेज़ी से होगी और आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल दोबारा से उगने लगेंगे। तो इसके लिए आप ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करके भी मसाज कर सकती हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप्स है आलू। आलू भी बालों की खूबसूरती के लिए बहुत ही मददगारी है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों की डैंड्रफ को निकालने में मदद करता है और समय से पहले सफ़ेद हो रहे बालों को भी काला करने में ये बहुत ही मददगारी है। तो इसके लिए आप आलू लें, उसको कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर उस रस को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करें और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही हेल्थी, चमकदार हो जाएंगे। ये नुस्खा आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और आपके बालों की रीग्रोथ के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा आप चाहें तो आलू के रस में 3 चम्मच आलू का रस और 3 चम्मच एलोवेरा जूस लेकर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके भी अपने बालों में अप्लाई करें और लगभग 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। ये नुस्खा भी बालों को झड़ने से रोककर बालों को रीग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट टिप्स है अमरूद। अमरूद भी बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही मददगारी है। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए और दोबारा से बालों को उगाने के लिए अमरूद के पत्तों की मदद लें। इसके लिए मुट्ठी भर अमरूद की पत्तियां लेकर उसे 1 लीटर पानी में 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें और फिर इस पानी को अपने सिर पर, अपने बालों की स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें और लगभग 1-1.5 घंटे बाद उसको धो लें। ऐसा करने से बालों का झड़ना बंद होता है, ये बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट टिप्स है करी पत्ता। करी पत्ते के इस्तेमाल करके आप बालों की हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये जिनके बाल बेजान हैं, समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं या बहुत ही दो मुँह हैं, तो
तो उनके लिए आप करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करी पत्ते में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। बालों को मजबूत बनाने में, उनको काला घना बनाने में ये बहुत ही मददगारी है। साथ ही बालों की जड़ों को काफ़ी मजबूती देते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बी पाया जाता है जो कि बालों की जड़ों को मजबूती बनाने में और इसको पोषण देने में बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा आप करी पत्ते को पीस कर दही के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बालों को रिग्रोथ के लिए बहुत ही मददगारी है। और इसके अलावा आप करी पत्ते का हेयर टॉनिक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप करी पत्ते के पत्तों को पानी में उबालकर उसको पानी को अपने बालों में अप्लाई करें। ऐसा करने से भी बालों की हर तरह की समस्या दूर होगी। आप इस उपाय को हफ्ते में 2 बार करें। ऐसा करने से बालों की हर तरह की समस्याएं दूर होती हैं। करने आपके बाल दोबारा से आने लगेंगे। काले और लंबे घने करने के लिए ये हेयर टॉनिक बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा डेली खाली पेट 2-4 करी पत्ते चबा चबा कर सुबह के टाइम खाली पेट खाएं। ये भी बालों की आपकी स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के मेरे नुस्खे, जिन्हें आजमा कर आप अपने बालों की हर तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये नुस्खे आपके बालों की रिग्रोथ करने के लिए बहुत ही मददगारी हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले और भी नए नए वीडियोस, नए नए अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।